हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फन फ्यूजन विद इंदु। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी लंगर वाली उड़द चने की दाल। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिए एक कप चने की दाल, आधा कप छिलका उड़द दाल। दोनों ही दालों को हमने आधा से एक घंटे के लिए सोख करके रख दिया था, और तेज पत्ता। अब हम इन दोनों दालों को एक कुकर में बॉईल करने के लिए रख देंगे। और साथ में डालेंगे तेज पत्ता, स्वादानुसार नमक और लगभग 3 से 4 गिलास पानी। वन टीस्पून हल्दी। इसके बाद कुकर की लिड लगाकर 4 से 5 विसल आने देंगे। दाल का छौंक बनाने के लिए हमें चाहिए एक चॉप्ड प्याज, 2 चॉप्ड टमाटर, 1 से 2 पिंच हींग, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 तेज पत्ता, 2 लाल साबुत मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 इंच अदरक चॉप्ड, 2 से 3 लहसुन की कलियां, 1 चॉप्ड हरी मिर्च। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ हमारी दाल भी बॉईल हो चुकी है। आप देख ही सकते हैं कि दाल पूरी तरह से गल चुकी है। अब हम लेंगे कढ़ाई या पैन और उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी। घी गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे हींग, जीरा, और जीरा चटकने के बाद इसमें डालेंगे चॉप्ड अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, और इन्हें अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। साथ ही डालेंगे साबुत लाल मिर्च और तेज पत्ता। इसके बाद चॉप्ड प्याज डालकर इसे गुलाबी होने तक भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे चॉप्ड टमाटर। लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, स्वादानुसार नमक। नमक हम मसाले की जितनी आवश्यकता है उतना ही डालेंगे, क्योंकि हम दाल में पहले ही नमक डाल चुके हैं। सभी मसालों को अच्छी तरह मिलाकर टमाटर के थोड़े गलने तक ढककर रख देंगे। ध्यान रखेंगे कि ये सारा प्रोसेस हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे। टमाटर थोड़ा गलने के बाद हमारा मसाला तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड दाल और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक और अच्छी तरह पका लेंगे। 2 मिनट के बाद तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी लंगर वाली उड़द चने की दाल। अगर आपको मेरी ये उड़द चने की लंगर वाली दाल की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको मेरे चैनल की रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।